एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट, अंग्रेजी बोलना सीखी। पीसीसी एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी, हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। कलयुगी बाप ने लाखों रुपए में किया बेटी की आबरू का सौदा, पुलिस ने रंगे हाथों किया काबू। कोन के पास हुए दर्दनाक हादसे में 3 छात्रों की मौत के बाद परिवार में शोक की लहर, पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम हुआ खत्म, आखिरी दिन उपायुक्त सुमेधा कटारिया रही मुख्य अतिथि। नगर निगम में भ्रष्टाचार का बोलबाला, टैक्स कम करने की एवज में रिश्वत लेते निगम क्लर्क का हुआ पर्दाफाश, कई और संदेह के घेरे में। चौटाला रोड के पास नाले में मिला युवती का लावारिस शव, जांच में जुटी पुलिस। सफाई जागरूकता को लेकर शहर में स्वच्छता रथ हुआ रवाना, सफाई के मुद्दे पर लोगों को किया जाएगा जागरूक। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। कोई बाप क्या इतना बेरहम हो सकता है कि उसने पैसों के लालच में अपनी बेटी का 1 करोड़ रुपए में सौदा कर दिया। पानीपत पुलिस ने आज उसे 5 लाख रुपए लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। आइए दिखाते हैं आपको पूरा मामला। ये वो कलयुगी बाप है जिसकी करतूत सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। पिता ने अपने रिश्तेदार पर पहले तो अपनी ही बेटी के साथ छेड़छाड़ ही नहीं अपितु कलंकित करने वाले शब्दों में शिकायत दर्ज करवाई। वहीं बाद में रिश्तेदारों में मामला रफा दफा करने के लिए 1 करोड़ की मांग कर डाली। बेटे के बाप ने परेशान होकर पुलिस में शिकायत दे दी। पुलिस ने अपना जाल बिछाया और 5 लाख रुपए के साथ पानीपत के देवी मंदिर से उसे काबू कर लिया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्त में लेकर जांच शुरू कर दी है। हमारे लड़के पे साजिश रची पैसे ठगने के लिए, मर से इसने यहाँ 10 तारीख को दरखास्त दी हमको, मेरे को पुलिस उठा ले जी। मारा लड़का पेश होया 12 तारीख ने करनाल जेल में भेज दिया। फिर हम इसके पास गए भी, यो क्या रचा वह तुमसे 1 करोड़ रुपया ठगना है। तो हमने इसको निकालते निकालते दिन में कहा कुछ कम कर ले, कुछ कम कर ले। उनका मेरी ये लक्ष्मण रेखा है, इससे मैं कम नहीं जाऊंगा। जिससे हमने इसकी वीडियो बना लिया, इसकी फिल्म, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग। एक इसका भाई रिंकू है, उसने 1 लाख रुपया मांगा हमारे से थारा फैसला करवाने के लिए। इन्होंने हमारे पास जाल रचा है। जाल रचने के बाद इन्होंने, हमने आज पहचान, इन्हें 5 लाख रुपए नगद मांगे मार से, 95 लाख के चेक मांगे। हमने कहा अपने मकान पे हम लोन करवाने लग रहे हैं रिश्तेदारों से ठाके, 5 लाख रुपए तेरे को आज देने लग रहे, 95 लाख के कल को तेरे को चेक दे देंगे। SHO साहब से हमने बात करके, SHO साहब ने अपनी टीम भेज के देवी मंदिर में इनको अरेस्ट किया। हम SHO साहब का बहुत धन्यवाद करते हैं जिसने हमारी सहायता की है। हाँ जी, हम कह जी इसको बहुत तकड़ी से तकड़ी सजा मिले और हमारा लड़का बाहर आए जिससे इंसाफ मिले। इस मामले में ये कहना चाहता हूँ, जो पीड़ित पक्ष है जिनका लड़का है उनको इंसाफ मिले, और जो ये झूठे आरोप इन पर लगाए गए हैं, हम तो कोर्ट से यही वो कर सकते हैं कि भाई इनको, इनके लड़के की जमानत, और ये बाहर आए। पानीपत में कल शाम तेज रफ्तार की कहर ने कई परिवारों के चिराग बुझा दिए। तेज गति से आ रही कार अचानक ट्रक से जा टकराई और कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में 3 छात्रों की मौत भी हो गई। वहीं आज शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए गए और अस्पताल में भी गमगीन माहौल रहा। कोहड़ के पास GT रोड पर कार की अचानक ट्रक के साथ टक्कर हो गई और हादसे में कार में सवार 3 दोस्तों की मौत हो गई, जबकि चौथा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि चारों दोस्त छात्र थे और करनाल में फोटो शूट करने जा रहे थे। हादसे के बाद राहगीरों ने कार की खिड़की तोड़कर शवों को बाहर निकाला और सिविल अस्पताल में भिजवाया, जबकि घायल को सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने जांच के बाद रोहतक PGI रेफर कर दिया। घायल की हालत भी गंभीर बनी हुई है। आज तीनों को शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन करनाल से आ रहे थे, उस टाइम पे अपना ग्राउंड के पास में कार से थे, बराबर में गाड़ी खड़ी थी, कोई उससे एक्सीडेंट हुआ इनका। बाकी 4 थे ये, 4 में 2 की एट अ टाइम वहीं पे डेथ हो गई, 2 को एक को करनाल, एक को अपना रोहत रेफर करा था। उसमें सी जी एक अपना शाम को ही
वो भी डेथ हो गई, उसको भी यहीं ले आए थे अपना। और मैं अपना कपिल है, चाचा उसका। क्या करने गए थे करना लिए कुछ? सर जो हमारा कपिल था वो फोटोशूट का काम करा कर रहा था लड़का, तो शायद कोई फंक्शन वगैरह था फोटोशूट का, उसमें जा रहे थे। और किसी ने टेलीफोन किया कंट्रोल रूम में भाई एक एक्सीडेंट कल्याण पेट्रोल पंप गोरुंडा नियर अबाउट कोंड जीट रोड पर हो गया, जो एक ट्रक JK05F7927 के चालक इरशाद अहमद सनो पेंच शेर आरो बारूमुल्ला जे एंड के जिसमें सेब लोड थी ने के चालक ने अचानक ब्रेक लगा के जीटी रोड पे गाड़ी रोक दी। जो पीछे से आ रही कार चालक HR056AC9671 की गाड़ी अचानक ब्रेक लगने की वजह से उस गाड़ी के नीचे बढ़ गई, जिसमें तीन लड़के अंकुस सनफ गुलशन कुमार, नवीन सनफ गोपाल सिंह, कपिल सनफ राकेश कुमार मौके पे एक्सपायर हो गए, जिनको इलाज के लिए वहाँ से मौके से पब्लिक की सहयोग से गाड़ी निकाल के हॉस्पिटल के लिए पहुँचाया था, लेकिन यहाँ ब्रोक डेड पाए गए। एक चौथा लड़का मोहित सनफ राजू पेंटर वो घायल है, जो पीजी रोहतक से अब पता लगा है दिल्ली रेफर हो गया। FIR हमने इसमें लॉज कर दिया है, FIR नंबर 91 है PS गुरुंडा की 279-337-336-304 IPC और पोस्टमार्टम करा के बॉडी परिवार वालों को सौंप के अगली कार्रवाई ड्राइवर की गिरफ्तारी इसके बाद करें। REPG कॉलेज में चल रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आज आखिरी दिन रहा। आखिरी दिन सभी बच्चों ने ट्रैफिक के नियमों के बारे में जाना और इस दिन उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। LK होंडा द्वारा इस आयोजन को करवाया गया और 5 फरवरी से शुरू सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम में ट्रैफिक नियमों के बारे में और ड्राइविंग करते हुए बॉडी लैंग्वेज, कपड़े, हेलमेट आदि की जानकारी दी गई। साथ ही अगर सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाए तो उसकी सहायता के लिए फर्स्ट एड की भी जानकारी दी गई। वही कार्यक्रम के आखिरी दिन उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और उपायुक्त ने कहा कि ये हमारे प्रदेश को सुरक्षित करने का एक अच्छा प्रयास है, इससे सभी बच्चों को ट्रैफिक के सभी नियमों के बारे में जानकारी मिलेगी। ट्रैफिक वीक के अवसर पर होंडा की ओर से जो CSR कंपोनेंट में एक पूरा मेकशिफ्ट ट्रैफिक पार्क बना करके राइडिंग कैसे करना है, ड्राइविंग के एहतियात क्या बरतने हैं और किस तरह से खेल के माध्यम से पूरा ट्रैफिक के रूल्स को जो सिखाने का प्रयास किया गया है और ऑन हैंड्स ट्रेनिंग और उस तकनीक का इस्तेमाल करके जो आज के बच्चों को पसंद आती है, और इसके साथ ही यहाँ फर्स्ट एड का भी प्रावधान होना, उसके बारे में जानकारी इतना भी, ये मैं होंडा के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगी और एक कॉलेज के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि ये एक अद्भुत प्रयास है जहाँ केवल इसी कॉलेज के ही 8,000 बच्चे नहीं बल्कि पूरे पानीपत के स्कूलों के बच्चे यहाँ पर आकर के एक लर्न वाइल यू प्ले के दृष्टिकोण से जो सीख रहे हैं वो कभी नहीं भूलेंगे। और मैं ऐसी उम्मीद भी करती हूँ कि ऐसा कोई भी प्रयास छोटा नहीं है, बहुत महंगी प्रयास है और ऐसे प्रयासों के माध्यम से ही हम अपने पानीपत को सुरक्षित बना पाएंगे और खुद सुरक्षित कैसे रह सकें, खुद सुरक्षित अपनी सड़कों को कैसे रख सकें और खुद अपने परिवेश को सुरक्षित कैसे रख सकें, इसके लिए हम सब मिलकर के प्रयास करें। मैम, जो गर्ल नई स्कूटी चलाना सीख रही हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो मैं कभी लूना को अंडर एस्टिमेट नहीं करती। पहिए मिलना एक बहुत बड़ी सशक्त होने की दिशा में कदम होता है। तो मुझे याद है कि जब मैंने भी पहली बार मोपेड ली थी तो मैं कितनी खुश थी, मुझे लगता था मुझे पंख मिले, लेकिन इन्हीं पंखों के साथ एक जिम्मेवारी का दायित्व भी मिलता है कि हम जब भी चलाएं हम हेलमेट पहन के चलाएं, हमें जानकारी हो अपने जो ट्रैफिक के नियमों की भी
ट्रैफिक साइंस की भी, और सबसे बड़ी बात कि हमें अपनी जिम्मेवारी का एहसास हो कि हम जब सड़क पे हैं तो केवल हम इंडिविजुअल ही नहीं हैं, हम इस देश के नागरिक। पानीपत का नगर निगम कार्यालय आजकल सुर्खियों में है। इस बार मामला सरेआम रिश्वत मांगने का है। विजिलेंस टीम ने दो दिन पहले एक को काबू कर लिया और पकड़े गए आरोपी ने क्लर्क का नाम भी बताया, जिसे पुलिस ने काबू कर लिया है। पानीपत के नगर निगम में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत है कि नया आया कोई भी अधिकारी गच्चा खा जाए। नया मामला सामने आया है। पानीपत के रहने वाले कांग्रेसी नेता से हाउस टैक्स कम करवाने के नाम पर पैसे मांगे। नेता ने इसकी शिकायत विजिलेंस में कर दी। विजिलेंस टीम ने निगम के क्लर्क कपिल को हाउस टैक्स कम करवाने की एवज में 20,000 रुपए लेने के आरोप में रंगे हाथों रिश्वत लेते काबू किया था। वहीं जांच के बाद रिश्वत के पैसे लेन देन के आरोप में विजिलेंस ने सुमेर नामक क्लर्क को भी काबू कर लिया। पकड़े गए आरोपी ने कई खुलासे किए हैं, जिसको लेकर विजिलेंस की जाँच जारी है। विजिलेंस इंस्पेक्टर बलबीर सिंह ने बताया कि जांच में और भी निगम के आला अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। जांच अभी जारी है, लेकिन जिनके नाम सामने आए हैं अभी वह तफ्तीश में शामिल नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिकायत करता है रणबीर स्वामी, पेट्रोल पंप मालिक, मॉडल टाउन, पानीपत। उन्होंने शिकायत की कि एक कपिल नाम का लड़का है और क्लर्क वो हाउस टैक्स कम करने की एवज में 35,000 रुपये मांग रहा है और मान नहीं रहा, रिश्वत लेने पे बाजित है। तो उस सूचना पर हमने कानूनी रूप से रेडिंग पार्टी तैयार करके उपायुक्त महोदय से परमिशन लेकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करके रेड करी, जो नगर निगम दफ्तर के सामने उसको रेड हैंडेड पैसे लेन देन में काबू किया 20,000 रुपये से। स्टेट नियुक्त करते हुए कि अध्यक्षता में रेड कायम की, जिसको रंगे हाथों कपिल को 20,000 रुपये मौका से पकड़ा। मुकदमा दर्ज करने के बाद उसको गिरफ्तार करके कल पेश किया, जो न्यायालय से 2 दिन के पुलिस रिमांड पर है। जिसने खुलासा किया कि मैंने ये 20,000 रुपये मैं से नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों को पैसे देने थे, उन्होंने नाम का भी खुलासा किया। किन के नाम आया सर साहब ने? इसमें वीरेंद्र मलिक जई जी, एमी अजीत गर्ग जी, टैक्स सुप्रिटेंडेंट मनोज कुमार जी, सुमेर कलरक, ईओ अरुण कुमार भार्गव। उनसे पूछताछ हुई है? अने एक वो अभी हाजिर नहीं हुए हैं, इधर उधर हैं, और इनके खिलाफ भी जो जैसा भी होगा तफ्तीश के दौरान कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया और पेश अदालत कर रहे हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. By Sanskrit School. A better place, a better world. Bite Sanskriti School. Sapno se behtar kal. Bite Sanskriti School. Add colors to your learning. Bite Sanskriti School. Your life will be shining. Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 a.m.
For further details, please contact Prayag International School. पानीपत के चुटाला रोड के नजदीक एक नाले में एक युवती का शव बरामद हुआ। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव की शिनाख्त शुरू कर दी है। चुटाला रोड स्थित नाले में युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पानीपत पुलिस को सूचना मिली कि चुटाला रोड के नजदीक नाले में एक शव पड़ा है। जब पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया तो पता चला कि शव युवती का था। युवती की उम्र करीब 20 से 22 साल बताई जा रही है और शरीर पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका है। सेक्टर 29 चौकी इंचार्ज का कहना है कि सूचना के आधार पर शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। लेडीज लग रही है, ये चटाला रोड का नाला पड़ी है, ये लग रहा है 20-25 दिन से डेड बॉडी पड़ी है, अभी समागत नहीं हो पाई। महिला है या कोई लड़की है, किस तरह का लड़की है? करीब इसके ऊपर 20-22 लग रही है। हत्या की आशंका तो नहीं है इसमें? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डेड बॉडी पूरी तरह गली हुई। अच्छा, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी वो क्लियर हो जाएगा। रात में दृष्टि में कोई चोट दिखाई दे रही हो ऐसा? ऐसा अभी कुछ नहीं एहसास हो रहा, पता नहीं लग रहा। सर्व संगठन सेवा संस्थान की ओर से पानीपत में स्वच्छता बाजार से स्वच्छता रथ का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर पानीपत की मेयर अवनीत कौर के अलावा कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। विगत 3 सालों से सर्व सेवा संगठन लगातार सफाई हेतु प्रयासरत है और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए शहर वासियों को जागरूक करने के लिए आज पालिका बाजार नगर निगम के ऑफिस से स्वच्छता रथ का लोकार्पण किया गया। निगम महापौर अवनीत कौर ने रथ को रवाना किया। इस स्वच्छता रथ के माध्यम से पानीपत के हर नागरिक को जागरूक किया जाएगा कि वह सबसे पहले अपने घर से ही कूड़े को अलग करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सर्व संगठन सेवा संस्थान पिछले 3 वर्षों से पानीपत में सफाई के लिए प्रयासरत है और सफाई अभियान हो, चाहे सफाई जागरूकता अभियान हो, चाहे शहर को सफाई वार्ड वाइज सफाई करना हो, चाहे शपथ पत्र भरवाना हो, स्कूल के बच्चों के द्वारा रैली निकालना हो, लगातार 3 सालों से सफाई के लिए प्रयासरत है। तो आज उसी कड़ी में, उसी क्रम में हमने एक नया प्रयास किया है। हम एक रथ का यहाँ पर शुभारंभ करने जा रहे हैं जिसका शुभारंभ हमारे मेयर अवनीत कौर जी और निगम आयुक्त के द्वारा किया जाएगा। तो उसमें जो ये हमारे जो रथ का बेसिक मोटो है, बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि पूरे शहर में घूमेगा और पूरे शहर वासियों को जागरूक करेगा कि कूड़े को कम करना सीखें। आप अपने घर से ही 2 डस्टबिन रखें और कूड़े को सेग्रीगेट करें, कूड़े को अलग करें, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा। सिर्फ गीला कूड़ा ही सफाई कर्मचारियों को दें, सूखा कूड़ा जो है वो स्टोर करें, उसको रिसाइकिल करें या उसको बेच दें। उसके बहुत से तरीके हैं। ये अभी हम इसमें एक ऑडियो शुरू होगा 2-3 दिन के बाद से, जिसके अंदर ये पूरे शहर को जागरूक करेगा। उससे क्या होगा, जो शहर में 516 टन का जो एवरेज बता रहे हैं कि 516 टन कूड़ा निकल रहा है, वो आधे पे रह जाएगा। तो हमारा मकसद है कि जितना कम कूड़ा सड़क पर आएगा उतनी ज़्यादा शहर चमकेगा। तो ये जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन जो इसका कारण है इस रथ का चलाने का, पूरे शहर में घूमेगा। और अब हमारी टीम भी इस रथ के माध्यम से वार्ड वाइज जाएगी और वहाँ पे प्रचार प्रसार करेगी कि आप कूड़ा, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग करें, उसको सेग्रीगेट करें, सिर्फ गीला कूड़ा ही आप सफाई कर्मचारी को सौंपें, उसको दें और सूखे कूड़े को स्टोर करके उसको या तो बेच दें या रिसाइकिल में इस्तेमाल लें या किसी अपने एम्प्लॉय को या किसी गरीब को वो दे दें ताकि वो बेच के कुछ पैसा उससे अर्न कर लें। तो ये हमारा इस रथ का मेन मोटो रहेगा और आने वाले समय में हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जिसको हम पूरे पानीपत में, जैसे हमारे 3 साल पूरे हो चुके हैं लगभग संगठन को, 3.5 साल, तो हमने एक मैगजीन का निर्माण किया है, एक मैगजीन का कार्य चल रहा है जिसमें हमने 3.5 सालों में जो जो कार्य किए हैं उसकी पूरी जानकारी उस मैगजीन में है। और उस फंक्शन के दौरान, उस जब उस मैगजीन का विमोचन होगा, उस फंक्शन में हम सफाईगिरी अवार्ड दे रहे हैं। शहर में 30 लोगों को ऐसे सम्मानित कर रहे हैं जो पानीपत में इंडिविजुअली या किसी संस्थान के माध्यम से पानीपत में सफाई जागरूकता अभियान और सफाई के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको हम सम्मानित करेंगे। पानीपत में विगत 3 सालों से सर्व संगठन सेवा संस्थान का निर्माण हुआ जिसमें पानीपत के 200 से ज़्यादा संगठनों के लोग सभी समाजसेवी शामिल हैं। इसी कड़ी में हम लोगों ने 3 साल से पानीपत को स्वच्छता के लिए प्रेरित करना, जागरूक करना, उसके लिए तरह तरह के आयोजन किए।
लोगों को बहुत जागरूकता के लिए जगह जगह हमने स्कूल के बच्चों की रैलियां स्कूल में जाके, और साथ ही इसी कड़ी में आज एक स्वच्छता रथ का आज लोकार्पण किया जा रहा है, जिसके अंदर मेयर और कमिश्नर महोदया जी दोनों उसको हरी झंडी देकर के शहर के नगर वासियों को एक संदेश देंगे। इस स्वच्छता रथ के माध्यम से सब लोग स्वच्छता के लिए आगे आएं और पानीपत को एक सुंदर सिटी बनाएं, स्वच्छ शहर बनाएं। हमारा विड़ा यही है कि पानीपत कैसे ही स्वच्छ और सुंदर बने, उसके लिए पूरे पानीपत की जनता से अपील करता हूं कि वो जो पानीपत में पहले से कुछ सुधार हो रहा है उसमें अपना, जब तक जन सहयोग नहीं होगा, जब तक जन सहभागिता नहीं होगी, तब तक सारा काम सफल नहीं होगा। जैसा कि हमारा देश बदल रहा है, बट हम नागरिकों को भी अब बदलना होगा, और इसी मुहिम को आगे रखने के लिए और हम सभी नागरिकों को जागरूक करने के लिए आज हमने ये मुहिम छेड़ी है और एक स्वच्छता रथ तैयार किया है, जिसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करेंगे कि वो अपने कूड़े का निष्पाशन कैसे करें। जी, इनका जो विचार है वो बहुत अच्छे विचार हैं। इन्होंने एक वैन तैयार की है और उस वैन के ऊपर पूरा लिखा हुआ है पूरा हिंदी में कि अपना सूखा कूड़ा अलग डालिए, गीला कूड़ा अलग डालिए, और ये एक एक जगह पर आधा आधा घंटा खड़ा होकर तो ये अंदर से ये इनकी वॉइस यही मैसेजेस जाएगा आएंगे कि जो है कूड़ा है अपना प्रॉपर किसी ट्रॉली में डालिए, बाहर कूड़ा मत फेंकिए, सूखा कूड़ा अलग रखिए और गीला कूड़ा अलग रखिए। इससे जो है हमारी सफाई में कुछ परसेंटेज की जो है सुधार आएगा। ये सर्व संगठन सेवा संस्था की ओर से चलाई जा रही है वैन ये, और ये पूरे पानीपत जो नगर निगम का जो एरिया है सारा उसके अंदर पूरा भ्रमण करेगी, और पूरा भ्रमण करने के बाद सभी को एजुकेटेड करेगी कि किस तरीके से हम सूखा कूड़ा और गीला कूड़े को हम अलग अलग कर सकते हैं। इसमें स्पीकर वगैरह भी काफी, माइक वगैरह की पूरी सुविधा है इसके अंदर, और जो लोग अपना सजेशन दे सकते हैं उन सजेशन के लिए भी आपके अंदर पूरा सुझाव पेटी जो है वो भी साथ में रहेगी इसके अंदर, तो जो भी अपना सुझाव देना चाहे सुझाव भी दे सकते हैं। और हमारा संकल्प यही है कि हम हर कॉलोनी हर शहर के अंदर एक एक गली को हम इसको कवर करें, और इस अभियान के जरिए हम कितना हम उसको स्वच्छ कर सकते हैं अपने पानीपत को, पूरा पूरा इसके लिए तैयारी की जा रही है सारी। आज की गतिविधियों में बस इतना ही, जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। स्पॉन्सर बाय आरपी वेल्टर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल घरोंडा, फोन नंबर 7418000000। एसोसिएट पार्टनर ऑफ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल दिल्ली, हर प्रकार के पुरुष व स्त्री रोगों का इलाज उपलब्ध है। 20 साल की एम्स रिटायर तजुर्बे का डॉक्टरों की टीम द्वारा आंखों दांत सर्जरी डिलीवरी फिजियोथेरेपी व मोतियों का सफल इलाज, कंप्लीट बॉडी चेकअप ओनली ऑन 900 रुपीज। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध, एलजी, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर, ASMRO ऑल मॉडल अवेलेबल, अपो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध, फोन 9812214543, जीडी रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। एलके होंडा गोहाना रोड पानीपत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। एलके होंडा गोहाना रोड पानीपत, असंत रोड पानीपत व जीटी रोड संभाल का। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत।